मुन्ना भाई एमबीबीएस से शुरुआत की और ऐसा इलाज किया कि फिल्म इंडस्ट्री में खराब फिल्में बनाने वाले तमाम फिल्म मेकर्स को इन्होंने जरा टाइट कर दिया। हम बात कर रहे हैं राजकुमार हिरानी की। जन्म 20 नवंबर सन 1962 में हुआ। शहर था नागपुर और एक सिंधी परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता सुरेश हिरानी नागपुर शहर में ही एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। भारत के तकसीम के वक्त हिरानी परिवार सिंध छोड़ हिंदुस्तान में आ गया था। इसकी आजादी के साथ धर्म और ईमान के नाम पर जो खूनी आंधी उठी उसमें लाखों तो खत्म हुए और करोड़ों बेघर बेसहारा होकर रह गए। राजकुमार हिरानी की शिक्षा नागपुर शहर के सेंट फ्रांसिस द सेल्स हाई स्कूल में हुई। शुरुआत में तो राजकुमार हिरानी ने भी यही सोचा था कि वो बतौर इंजीनियर काम करेंगे या फिर वो डॉक्टर बनेंगे, पर जब इनके नंबर अच्छे नहीं आए तो इन्होंने कॉमर्स का सहारा लिया। हालांकि बाद में राजू हिरानी को यह एहसास जरूर हुआ कि कॉलेज के 3 बरस बर्बाद चले गए क्योंकि ये लेक्चर तो अटेंड नहीं करते थे, पर उन 3 वर्षों में इन्होंने कॉलेज के रंगमंच पे खूब जौहर दिखाए। थिएटर ग्रुप शुरू किया था, नाम रखा था आवाज, जहां पर ये एक्टिंग भी करते थे, डायरेक्शन भी करते थे और नाटक खुद लिखते भी थे। इनके पिता ने इनसे कहा कि बेटा तुम FTII क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ जाने का इन्होंने मन बनाया, पर डायरेक्शन कोर्स में इनका एडमिशन नहीं हुआ और इसी वजह से इन्होंने एडिटिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया। FTII से अपना कोर्स कर लेने के बाद इन्होंने मुंबई का रुख किया। हालांकि इनका मन था कि नागपुर जाएं या फिर एक वीडियो कोर्स पूरा करें, पर अपने दोस्तों के साथ ये मुंबई आए और इनका संघर्ष शुरू हुआ। 1200 रुपए महीने की इन्हें जॉब मिली एक एडिटिंग स्टूडियो में और उसके बाद ये बतौर फ्रीलांसर काम करते रहे। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में राजू हिरानी ने अच्छा नाम कमा लिया था, पर ये काम करना चाहते थे बतौर फिल्म मेकर, इसीलिए इन्होंने एड वर्ल्ड से छुट्टी ली और फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई और तब इनकी मुलाकात हुई फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा से। उनकी फिल्म कंपनी में राजू हिरानी ने काम शुरू किया। 1942 अ लव स्टोरी, करीब और मिशन कश्मीर में इन्होंने बतौर टेक्नीशियन काम किया। चोरी चोरी जब नजरें मिली, मिशन कश्मीर में ये बतौर एडिटर आए थे, ये इनका बड़ा ब्रेक था। ये उसी काफिर पुलिस वाले की पिस्तौल है। और उसके बाद 2005 की फिल्म परिणीता में बतौर क्रिएटिव प्रोड्यूसर। गिरीश कौन है? सुनीता भाभी के भाई। पर इस बीच वो फिल्म इनके सामने आ गई थी जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा का रुख बदलने की कोशिश की थी और ये फिल्म थी सन 2003 की मुन्ना भाई MBBS। ये वही फिल्म थी जिसने संजय दत्त की एक नई इनिंग की शुरुआत करवाई थी और अरशद वारसी के करियर में भी 4 चांद लगा दिए थे। मुन्ना भाई MBBS। फिर आई लगे रहो मुन्ना भाई, ए सर्किट बंदूक निकल, ए देख, और 3 इडियट्स, और उसके बाद PK। राजू हिरानी ने कई बार कहा है वो किसी और की लिखी फिल्म को भी डायरेक्ट करना चाहते हैं, पर कोई स्क्रिप्ट लेकर इनके पास आता नहीं। बस आज तक कोई नहीं आया जिसने कहा कि सर एक ग्रेट आइडिया आया फिल्म बनानी है। इसलिए ये खुद अपनी फिल्में लिखते हैं और उन्हें बनाते हैं। इनकी फिल्मों में इनके निजी जीवन की परछाइयां भी नजर आती हैं। इनका बचपन बड़ा ही दिलचस्प रहा था, जहां पे इनके पिता ने इनका डर मिटाने की कोशिश की थी। ये बहुत ही ज्यादा डरते थे भूतों से और एक दिन इनके पिता ने इनसे पूछा कि क्या वाकई तुमने कोई भूत देखा है? जवाब दिया ना। अपनी गाड़ी में इन्हें बिठाया और आधी रात के वक्त शहर का चक्कर लगाया और सुनसान जगहों पे गाड़ी रोक कर चिल्ला चिल्ला के कहा कि भूत आजा आजा भूत आजा। जब कोई भूत नहीं आया तब इनके पिता ने इनसे कहा कि देखो भूत भूत कुछ नहीं होते। वहां से इनका डर खत्म हो गया। जहाँ पिता ने इनकी हिम्मत बढ़ाई थी वहीं पर इनकी माँ इन्हें अलग अलग कहानियाँ सुनाती थी और यही वजह है कि इस कलाकार को इसका बचपन प्रेरित करता रहता है। राजू हिरानी की इच्छा है कि ये अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म जरूर करें। जब ये एडवर्टाइजिंग की दुनिया में थे तब अमिताभ बच्चन के साथ कुछ एड्स में इन्होंने काम किया था और एक बात इन्होंने बच्चन साहब से कही थी कि सर मेरी वो कैसेट खो गई है जिसमें आपने अपने पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को पढ़ा था। बच्चन साहब ने इतना सुना और उसके बाद अगली मीटिंग में वो अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविताएं लेकर पहुंचे और सबको सुनाई। वो शाम एक अद्वितीय शाम रही राजकुमार हिरानी के जीवन में। भाई इम्पोर्टेड बॉडी चलेगी ना? हाँ चलेगा ना, जल्दी लेके। संजय दत्त हो, अरशद वारसी या फिर आमिर खान,
फिल्म के अंदर कॉमेडी हो, रोमांस हो या फिर संगीत, मुन्ना भाई एमबीबीएस, ये सब कुछ नपातोला रहता है राजू हिरानी की फिल्मों में। और यही वजह है कि इस फिल्म मेकर ने फिल्म मेकिंग की दुनिया को बदल के रख दिया। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।